हेलो गाइस, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक मेरा भाई था जिसने कमेंट किया था, ब्रेन चिल्स नाम है उसका। उसने कमेंट किया था कि एक वीडियो आप और बनाइए जो रूम टूर का हो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल का। तो मैं एक और वीडियो शूट करता हूँ केवल और केवल ब्रेन चिल्स के लिए। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको जूनियर्स के हॉस्टल में, जो जहाँ पे 22 बैच रहता है, जिस हॉस्टल का नाम है राजेंद्रा हॉस्टल, आपको पता ही होगा। तो आप चलते हैं और आपको मैं एक रूम टूर देता हूँ। जूनियर से ही दिलवाऊंगा, उनसे बोल दूंगा, वो अच्छे से ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो गाइज आइए चलते हैं राजेंद्रा हॉस्टल की तरफ। आप ये देख रहे हैं शाम का टाइम है, कितना मौसम जो है ये शानदार हो रखा है और ये सनसेट भी हो रहा है। और सामने जो हॉस्टल दिख रहा है वो न्यू जी हॉस्टल है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ जूनियर्स के हॉस्टल में। अभी मैंने दो जूनियर्स को बुला के लाया है, अब उन्हीं से ले लेंगे रूम टूर, देखते हैं मतलब कैसा, ये लोग खुद ही बताएंगे। तो आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? बॉस, मेरा नाम श्रीधर शर्मा है। कहाँ से? भाई सतृष्ण, बहराइच। बहराइच। और भाई तुम्हारा क्या नाम? बॉस, मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं बलिया से हूँ। भाई अच्छा, तो छोटा सा एक रूम टूर अपने हिसाब से दोनों लोग दे दो। क्या क्या तुम्हें चीज़ें मिलती हैं कमरे में और क्या सुविधाएं मिलती हैं हॉस्टल में? साफ़ सफाई होती है नहीं होती है? क्या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, कॉलेज प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? एक बार जो है शुरू करो। बस रूम बहुत अच्छा मिला है। बेड मिलते हैं, दो एक रूम में दो लोग मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं, एक रूम में लॉट होता है और दो बेड मिलते हैं, एक टेबल, एक चेयर। एक दो बेड मिलते हैं, एक ये और एक ये, एक ही कमरे में रहना होता है। और एक टेबल, एक ये टेबल है और चेयर भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और क्या मिलता है? कवर मिलती है, अच्छी रहती है सामान वामान रखने के लिए, काफ़ी बड़ी भी रहती है, कपड़े भी टांग सकते हैं। दोनों लोग के लिए एक ही है, ये भी बताओ। दोनों लोग उसी में अपना डिवाइड कर लो, आधा आधा ऊपर नीचे। और क्या मिलता है? ये तीन खाने मिलते हैं, किताबें रखते हैं और पंखे फ्री मिलते हैं, पंखे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। और ये सब क्या लगा रखा है? बीडीसी चौरसी के लाएगा हमसे। और ऊपर क्या है? ऊपर तो अपने मन का लगा सकता है, पेंट भी कर सकते हैं अपने मन। बॉस लोग का नाम लिखा पड़ा है, 16 बैच के लोग हैं बॉस है। और बता दिया एक टेबल मिलता है, और बताओ। बहुत साफ सफाई होती रहती है, डेली साफ सफाई होती है बहुत बाथरूम के। फ्लोर पे लगभग 15 कमरे होते हैं, सेकंड फ्लोर तक है, 30 लड़के रहते हैं। सफोकेशन तो नहीं होती इसमें? नहीं, एकदम पूरा वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ पेड़ पौधे, एक खिड़की है, यहाँ से खिड़की खोल एकदम अच्छा हवा आएगा। और बाकी जिसको कूलर लगाना हो कूलर भी लगा सकता है। यहाँ की अच्छी बात यह है कि राजेंद्रा में ग्राउंड बहुत अच्छे है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, फुटबॉल मैदान है, क्रिकेट मैदान है, हरा भरा है, सब अलग है। वो तो बता तो बहुत कर दिए लोग। अब ये बताओ कमियां क्या क्या है, मतलब अपने दूसरे दोस्तों से भी बात करते हो जो अलग कॉलेज में है, तो फिर पता लगता हुआ कि हमें ये नहीं मिला हमारे साथ ऐसा। टेबल दिन लोग को दो दिन चाहिए, सबसे पहले एक लोग के लिए है, छोटा है दो लोग की संख्या। हाँ ये तो है, एसी लगा नहीं सकते। अलमारी तो दो देने चाहिए थे, मतलब दो लोग के लिए काफ़ी रूम छोटा है। मतलब यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो दो बेड लगे हुए हैं, उसके बीच में ये देख ही रहे हैं आप कितना कम जगह है। और मैट्रेस भी मिला था तुम लोग को? नहीं, मैट्रेस मिला था पिछली बार, मिला था सर पिछली बार। अच्छा चलो, अब चलते हैं तुम्हारे कमरे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं साफ सफाई कितनी अच्छी है और हवा तो आती रहती है प्रॉपर, क्योंकि ये खुला हुआ है। जैसे हम लोग का न्यू जी हॉस्टल है तो उस पर दोनों तरफ से बंद है, तो ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है वहाँ पे, उसके लिए छत पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे डेली साफ सफाई होती है? डेली होती है, हर दूसरे दिन। अच्छा, हर दूसरे दिन यहाँ पे पोछा ओछा लगता है, झाड़ू। और चलते हैं बलिया वाले कमरे में, चलते हैं देखते हैं इनके कमरे में क्या है। छुपा लो छुपा लो बेटा, लड़कों का हॉस्टल है तो आप समझ सकते हैं कैसा होगा। और ये आप पीछे देख रहे हैं कितना शानदार, किसने बनाया भाई? सौरभ यादव, बहुत बढ़िया भाई।
तुम्ही बनाया है लड़कियां बनाई थी होता अपन बहुत बढ़िया बलिया वाले अब दबंगई नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा क्या बे अच्छा और बताओ ये किसने लगाया था 16-17 के बॉस लोग थे तुमने लगाया पहले अच्छा और ये तुम्हारा बता रहा तुमने नहीं बनाया ना ये और आप ये देख सकते हैं बेड यहाँ पे भी लगे हुए हैं और वही जैसा मैंने बताया एक टेबल और एक चेयर और वही एक अलमारी इसमें जो आप रखना चाहें अपने हिसाब से डिवाइड करने की आधा ऊपर मैं रखूँगा आधा नीचे तुम रखो उसी हिसाब से चलता है और कुछ बताना चाहते हैं आप क्या भाई सौरभ और कुछ दिखाना है वॉशरूम की तरफ चले जी वॉशरूम साफ सफाई रहती है लेकिन नहाते भी दिखा देंगे चारों तरफ से पूरे बढ़िया से खुला हुआ आवाज आवाज थोड़ी सी अपनी ऊंची करिए वातावरण अच्छा है बॉस चारों तरफ पेड़ पौधे हैं ये बास्केटबॉल कोर्ट है ये बास्केटबॉल कोर्ट है ग्लेज में होता है यहाँ पर मैच यहाँ पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं जूनियर हम लोग भी खेलते थे जब थे तो और ज़्यादातर बड़ी रहा आप वहाँ देख सकते हैं अगर मैं जूम करूँगा तो वॉलीबॉल कोर्ट है हमारा हॉस्टल है वहीं पे अंदर और ये जो टीन सेट बना हुआ है बाइक रखने के लिए अभी बन रहा है और ये बताओ बाइक रखना अलाउड है कि नहीं फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर अलाउड उसके बाद आप जो जितनी में उतनी बाइक रख सकते हैं आपकी दो क्षमता हो तो आप दो रख सकते हैं आओ चलते हैं वॉशरूम की तरफ दिखाते हैं आपको कि मतलब वॉशरूम यहाँ का सौरभ बताओ कैसा है अंदर चलते पिंक पिंक ऐसा गुलाबी गुलाबी रखा गया है इसको पूरा और ये एक है दो दो तीन है ये तीन है और तीन तीन है सब कुछ और ये देख सकते हैं हर फ्लोर पे ऐसा ही मिलेगा आपको और साफ सफाई आप देख ही सकते हैं यहाँ की पाइप जो है बेसिन ये यूरिनल का जो है पाइप निकल गया है तो लगवा दिया जाए तो अच्छा ही होगा और चलते हैं भाई इस वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे चलो थैंक यू भाई तुम लोग का